अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे गोश्त के अचार की रेसिपी। तो ये बहुत ही इजी और आसान से तरीके के साथ में बन के तैयार हो जाता, और ये हम बनाएंगे 5 किलो गोश्त का परफेक्ट क्वांटिटी के साथ में। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करेंगे। तो इसके लिए लेंगे हम 5 किलो गोश्त, ये बोनलेस है, और इसके अंदर अब ऐड करेंगे हल्दी पाउडर 1/2 टेबल स्पून, 5 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। तो मटन को हम छोटे छोटे टुकड़े करवा लेंगे इस तरह से। नमक ऐड कर लेंगे 4 टेबल स्पून। एक गिलास पानी डाल के अब हम गोश्त को गला लेंगे, प्रेशर कुक कर लेंगे। और अब ये गोश्त गल गया तो हमने कुकर का ढक्कन भी निकाल लिया है। तो गोश्त गल जाने के बाद में हम अचार के लिए मसाला तैयार कर लेंगे। ज़ीरा ले लेंगे 4 टेबल स्पून, राई 1/2 टेबल स्पून, मेथी 1/2 टेबल स्पून, कलौंजी है 1 टेबल स्पून, और धनिया 4 टेबल स्पून। और अब हम ये सारे मसालों को भून लेंगे। तो इसका हल्का सा जैसे ही कलर चेंज होगा हम फ्लेम ऑफ कर लेंगे और इसको ठंडा करके पीस लेंगे। तो ये देखिए, हमको इस तरह से इसका पाउडर बना लेना है अचार मसाले का। नींबू लेंगे तो इसका रस निकाल के रख लेना है हमको। 25 से 30 नींबू है ये, तो नींबू आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। लहसुन 200 ग्राम ले लेंगे। और अब हम गोश्त को फ्राई कर लेंगे मीडियम हीट पे रख के। तो हमने यहाँ पे कुकिंग ऑयल लिया है 2 लीटर्स, तो इसके लिए 2 लीटर्स कुकिंग ऑयल लगता। तो आधा आधा करके हम फ्राई कर लेंगे, गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई करना है गोश्त को। तो लहसुन को हम कुचल के डालेंगे इसके अंदर। अब ये कुचला हुआ लहसुन है, और करी पत्ता, हरी मिर्च कटी हुई, बीच में से काटी हुई हरी मिर्च डालना है इसके अंदर, तो इससे इसका टेस्ट अच्छा आता। तो ये देखिए, इसको मीडियम हीट पे फ्राई कर लेना है गोल्डन ब्राउन कलर आने तक। और अब ये अच्छे से फ्राई हो गया तो अब हम इसको निकाल के अलग कर लेंगे। और अब यही तेल में दोबारा से हम दूसरे गोश्त को डाल देंगे, जो बचा हुआ गोश्त था। तो इसको भी हम गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। अगर आपके पास बड़ी कढ़ाई है तो एक ही बार में सारे गोश्त को फ्राई कर लीजिए। तो मेरे पास कढ़ाई थोड़ा छोटे रहने की वजह से मैं 2 बार फ्राई करी गोश्त को। और अब हम सारे तेल के साथ में एक बड़े खुले से बर्तन में इसको डाल के ठंडा होने के लिए रख देंगे। और जैसे ही ये ठंडा होगा तेल, इसके अंदर ऐड करेंगे ये अचार मसाला। तो ठंडे तेल में ही इसको ऐड करना है अचार मसाले को, नहीं तो फिर ये जो अचार है वो कड़वा हो जाता। मिर्ची ऐड कर लेंगे इसके अंदर। अब 12 से 15 टेबल स्पून ऐड कर लेंगे मिर्ची। तो मिर्ची आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते। इसको अच्छे से मिला लीजिए। और नमक ऐड कर लेंगे अब। तो नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से चख के ऐड कीजिए इसके अंदर। और अब हम ये गोश्त के अचार को पका लेंगे। तो थोड़ा सा तेल डाल के गरम कर लेंगे कढ़ाई में, और ये जो लहसुन के पोतियाँ मैं आपको फर्स्ट वीडियो में बताई थी उसी में से थोड़े हमको निकाल लेना है बघार के लिए भी। और थोड़ा सा राई ज़ीरा ऐड कर लेंगे, सूखी मिर्च 10 से 15, करी पत्ता, और अब ये जो बघार है गोश्त के अचार के अंदर ऐड कर लेंगे अब। तो बघार को डाल देने के बाद में अब हम इसके अंदर नींबू का जो निकाला हुआ रस है वो डालेंगे, और इसको अच्छे से मिला लेंगे इस तरह से। तो अब ये गोश्त का अचार बनके तैयार हो गया, और आप इसको 2 से 3 महीने तक रख के खा सकते। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। और एक बात का ध्यान आप लोग ज़रूर रखिए कि इसके अंदर हमको तेल का इस्तेमाल ज़्यादा करना है।
तो प्लीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि बुरा कमेंट न को मारो तेल वाले मसले से, क्योंकि हमको तेल ज़्यादा डालना रहता है इसके अंदर। तेल अगर ज़्यादा डालेंगे तो इस आपका अचार ज़्यादा दिन तक आप लोग स्टोर करके रख सकते, 2 से 3 महीने, 4-6 महीने भी रख सकते, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। तो आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको ये गोश्त के अचार की रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।